ओम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंडोत्तरार्ध अध्याय 129। नारायण के आदेश से नारद का विवाह के लिए उद्यत हो ब्रह्मलोक में जाना, ब्रह्मा का दलबल के साथ राजा संजय के पास आना, संजय कन्या और नारद का विवाह, सनत कुमार द्वारा नारद को श्री कृष्ण मंत्रोपदेश, महादेव जी का उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान और जप विधि बतलाना, तप के अंत में नारद का शरीर त्याग कर श्री हरि के पाद पद्म में लीन होना। नारद ने कहा, महाभाग मेरी जो कुछ सुनने की लालसा थी वह सब कुछ सुन लिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। कामना की पूर्ति करने वाला यह ब्रह्म वैवर्त पुराण कैसा अद्भुत है। जगतगुरु, मैं तप करने के लिए हिमालय पर जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए अथवा अब मैं क्या करूँ वह मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, नारद इस समय तो तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम उपवरहण नामक गंधर्व थे। तुम्हारे 50 पत्नियां थीं, उनमें से एक सती साध्वी सुंदरी कामिनी ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना की और वर रूप में नारद को अपना मनोनीत पते प्राप्त किया। वही राजा संजय की कन्या होकर पैदा हुई है। उसका नाम स्वर्णवी अर्थात स्वर्णष्ठीवी है। वह इच्छा की सहोदरा बहन है। वह सुंदरियों में परम सुंदरी, कोमलांगी, लक्ष्मी की कला, पतिव्रता, महाभागा, मनोहरा, अत्यंत प्रिय बोलने वाली, कामुकी, कमनिया और सदा सुस्थिर यौवन वाली है। तुम उसके साथ विवाह कर लो, क्योंकि शंकर की आज्ञा व्यर्थ कैसे हो सकती है। ब्रह्मा ने जो प्राक्तन कर्म लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। अपना किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाएं तो भी बिना भोग किए कर्म का नाश नहीं होता। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारायण का कथन सुनकर नारद का मन खिन्न हो गया। वे नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही राजा संजय की राजधानी की ओर चल दिए। शौनक ने कहा, महाभाग सूत जी, अहो यह कैसा परम अद्भुत पुरातन सरस अपूर्व रहस्य है। इसे तो मैंने सुन लिया, अब मैं नारद का विवाह वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि नारद मुनि तो अतीन्द्रिय और ब्रह्मा के पुत्र थे। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारद पर मोह ने अपना अधिकार जमा लिया था, अतः वे विष्णु व्रत परायणा महाभागा तपस्विनी संजय कन्या को देखकर ब्रह्मा जी की रमणीय सभा में गए। वह सभा सभी देवताओं से खचाखच भरी थी। वहाँ उन्होंने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य कह सुनाया। उस शुभ समाचार को सुनकर ब्रह्मा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो जगतपति ब्रह्मा अपने तपस्वी पुत्र नारद से बातचीत करके शुभ मुहूर्त में देवताओं के साथ पुत्र को आगे करके रत्न निर्मित विमान द्वारा संजय के महल को चल पड़े। उस समाचार को सुनकर राजा संजय ने अपनी रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्या को लेकर हर्षपूर्वक नारद को सौंप दिया, साथ ही अपना सारा मणिमुक्ता आदि दहेज में दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने वह सारा कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात योग श्रेष्ठ राजा संजय अपनी कन्या ब्रह्मा को समर्पित करके वत्से यों कहकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, कमल लोचने, तुम मेरे घर को सूना करके कहाँ जा रही हो। बेटी, तुम्हें त्याग कर तो मैं जीते जी मृतक तुल्य हो गया हूँ, अतः मैं घोर वन में चला जाऊँगा। तब वह कन्या रोते हुए पिता और रोती हुई माता को प्रणाम करके स्वयं भी रोती हुई ब्रह्मा के रथ पर सवार हुई। ब्रह्मा हर्षमग्न हो भार्या सहित पुत्र को लेकर देवेंद्रों और मुनियों के साथ ब्रह्मलोक को प्रस्थित हुई। वहां पहुंचकर उन्होंने दुंदुभिका घोष कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा सिद्धों को भोजन से तृप्त किया। मुनिश्रेष्ठ नारद तो अपने पूर्व कर्म से बाधित थे, क्योंकि विप्रवर जिसका जो प्राक्तन कर्म होता है उसका उल्लंघन करना दुष्कर है।
उसे भला कौन हटा सकता है। इस प्रकार विवाह करके उससे व्रत हो मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्मलोक में मनोहर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहां साक्षात भगवान सनत कुमार आ पहुंचे। बालक की तरह उनका नग्न वेश था। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। सृष्टि के पूर्व में उनकी जो आयु थी वही 5 वर्ष की अवस्था अब भी थी। उनका चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कार नहीं हुआ था तथा वे वेद अध्ययन और संध्या से रहित थे। उनके नारायण गुरु हैं। वे अनंत कल्पों से तीनों भाइयों के साथ कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। वे वैष्णवों के अग्रणी ईश्वर और ज्ञानियों के गुरु थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अपने भाई सनत कुमार को सहसा निकट आया देखकर नारद दंड की भांति भूमि पर लेट गए और चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बालक रूप सनत कुमार जी हंसकर नारद से परमार्थिक वचन बोले। सनत कुमार जी ने कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो? युवती पते कुशल तो है न? स्त्री पुरुष का प्रेम सदा बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन ही होता है। वह ज्ञान मार्ग की सांकल, भक्ति द्वार का किवाड़, मोक्ष मार्ग का व्यवधान और चिरकालिक बंधन का कारण है। फिर भी पापी नराधम अमृत बुद्धि से उस विष को पीते हैं। जिसका मन परम पुरुष नारायण को छोड़कर विषय में रचा पचा रहता है उसे मानो माया ने ठग लिया है, जिससे वह अमृत का त्याग करके विष का सेवन करता है। अतः भाई इस मायामयी प्रियतमा पत्नी को छोड़ो और तप के लिए निकल जाओ। परम पुण्यमय भारतवर्ष में जाकर तपस्या द्वारा माधव का भजन करो। अपना पद प्रदान करने वाले अपने स्वामी परम पुरुष नारायण के स्थित रहते जो विषयी पुरुष विषयों में मत रहता है उसे निश्चय ही माया ने ठग लिया है। अब तुम मेरे कृष्ण इस 2 अक्षर वाले मंत्र को ग्रहण करो। यह मंत्र सभी मंत्रों का सार तथा परात्पर है। सभी पुराणों, चारों वेदों, धर्मशास्त्रों और तंत्रों में इससे उत्तम दूसरा मंत्र नहीं है। इसे नारायण ने मुझे सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में प्रदान किया था। असंख्यों कल्पों से इसका जप करके मैं सर्वपूजित हो भ्रमण करता रहता हूँ। यों कहकर उन्होंने नारद को स्नान कराया और फिर उन्हें उस परमोत्कृष्ट मंत्र का उपदेश दिया, जिसे वे मणियों की पावन माला पर रात दिन जपते रहते हैं। इस प्रकार वैष्णवों के अग्रणी सनत कुमार जी नारद को वह मंत्र और शुभ आशीर्वाद देकर सनातन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोलोक को चले गए। इधर जब नारद को वह सर्वसिद्धिप्रद श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति प्रदान करने वाला तथा कर्मों का उच्छेदक श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त हो गया, तब वे अपनी मायामयी भार्या का त्याग करके तपस्या करने के लिए भारतवर्ष में आए। यहाँ उन्हें कृतमाला नदी के तट पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। सहसा उन्हें देखकर नारद मुनि ने शिव जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल जगदीश्वर शिव अपने भक्त नारद से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, अहो नारद, अपने तेज से उद्भासित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि जिस दिन भक्तों का दर्शन प्राप्त हो जाए वह शरीरधारियों के लिए उत्तम दिन माना गया है। भक्तों के साथ समागम होना प्राणियों के लिए परम लाभ है। जिसे वैष्णव का दर्शन प्राप्त हो गया उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। जो समस्त तंत्रों में परम दुर्लभ है वह कृष्ण रूप महामंत्र क्या तुम्हें प्राप्त हो गया? इस मंत्र को मैंने अपने पुत्र गणेश और स्कंद को दिया था। श्री कृष्ण ने इसे गोलोक स्थित रास मंडल में मुझे ब्रह्मा और धर्म को बतलाया था। धर्म ने नारायण को तथा ब्रह्मा ने सनत कुमार को इसका उपदेश दिया था। वही मंत्र सनत कुमार ने तुम्हें प्रदान किया है। इस मंत्र के ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण स्वरूप हो जाता है। इसके जप के लिए शुभ अशुभ समय असमय का कोई विचार नहीं है। 5 लाख जप से ही इसका पुरस्चरण हो जाता है। इसका ध्यान पापनाशक तथा कर्म मूल का उच्छेदक है। शास्त्र में उसका वर्णन किया गया है। उसी ढंग से वैष्णव को श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। वह ध्यान यों है, नूतन जलधर के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनकी किशोर अवस्था है, जो पीतांबर से सुशोभित हैं,
सौ करोड़ चंद्रमाओं के समान परम अनुपम सौंदर्य धारण किए हुए हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए भूषण समूह जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप हुआ है, कौस्तुभ मणि द्वारा जिनकी विशेष शोभा हो रही है, जिनकी मालती की मालाओं से मंडित शिखा में लगे हुए मयूर पुच्छ की निराली छवि हो रही है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, शिवादि देवगण जिनकी नित्य उपासना करते रहते हैं तथा जो ध्यान द्वारा असाध्य दुराराध्य निर्गुण प्रकृति से परे सबके परमात्मा भक्त अनुग्रह मूर्ति वेदों द्वारा अनिर्वचनीय और सर्वेश्वर हैं, उन श्रेष्ठ श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। नारद, जो परमानंद सत्य नित्य और परात्पर हैं, उन सनातन भगवान श्री कृष्ण का इस ध्यान विधि से ध्यान करके भजन करो। इतना कहकर परमेश्वर शंभु अपने स्थान को चले गए। तब नारद ने उन जगन्नाथ को प्रणाम करके तपस्या में मन लगाया। तत्पश्चात नारद श्री हरि का स्मरण करके योग धारणा द्वारा शरीर को त्याग कर पद्मा द्वारा समर्चित श्री हरि के चरण कमल में विलीन हो गए। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड उत्तरार्ध अध्याय 129 संपूर्ण। जय राधा माधव।